नमस्कार फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए एक ऐसा बिजनेस आइडिया लेके आई हूँ जो कि आपका पूरे 12 महीने चलता रहेगा और वो भी बहुत अच्छे से चलेगा। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, ये कभी बंद नहीं होगा और मार्जिन इंक्रीज होता रहेगा। तो फिर आप इस वीडियो को पूरा लास्ट तक ज़रूर देखना। सो लेट्स गो। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं कि क्या करना होता है इस बिज़नेस में। दोस्तों, इस बिज़नेस में आपको सबसे पहले एक जगह का प्रबंध करना होता है जहां से आप इस काम को शुरू कर सकते हैं। इसके बाद आपको नोटबुक बनाने के लिए मशीन खरीदनी होती है और कच्चा माल खरीदना होता है। इसके बाद आप 2 या 3 कारीगर लगाकर काम को शुरू कर सकते हैं। माल तैयार करने के बाद आप उसे होलसेल और रिटेल मार्केट में बेचते हो और मुनाफा कमाते हो। अब आपको बताते हैं कि इस काम में आपको कैसी और कितनी जगह चाहिए होगी। दोस्तों, आपको इस काम के लिए कम से कम 40 गज जगह की जरूरत होगी जहां से आप माल को तैयार कर सकते हो, और जगह किसी भी स्थान पर हो सकती है। इस काम में अच्छी लोकेशन की आपको जरूरत नहीं होगी क्योंकि आप माल सिर्फ तैयार कर रहे हो, उसे आपको बेचना नहीं है उस स्थान से, तो स्थान कोई भी हो सकता है। अब आपको बताते हैं कि मशीन कितनी लगेंगी और मशीन कितने रुपए में आपको मिल जाएंगी। तो अगर आप मशीन खरीदना चाहते हैं तो मशीन के डीलर का नंबर और एड्रेस हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। इनके नंबर पर आप फोन करके मशीन खरीद सकते हैं, या कोई अधिक जानकारी अगर आपको चाहिए हो मशीन के बारे में तो वो भी आप यहाँ पर ले सकते हैं। अब आपको बताते हैं कि कच्चा माल क्या लगेगा, कहाँ से मिलेगा और कितने रुपए प्रति किलो के हिसाब से मिलेगा। दोस्तों, कच्चे माल में आपको पेपर और नोटबुक का कवर खरीदना होगा, इसके अलावा आपको कुछ नहीं चाहिए। दोस्तों,
नोटबुक का पेपर लाइनिंग वाला पूरी तरह से तैयार मिल जाता है और नोटबुक कवर भी आपको तैयार मिल जाते हैं। आप अगर चाहें तो नोटबुक कवर पर ऑर्डर पर अपनी नोटबुक का नाम लिखवा सकते हैं, जिससे आप अपने नाम की नोटबुक मार्केट में सेल कर सकते हैं। इससे आगे चलकर आपका अपना नोटबुक ब्रांड भी बन सकता है। दोस्तों, ये कच्चा माल आपको किसी भी बड़े शहर की होलसेल मार्केट में मिल जाएगा और दोस्तों ये कच्चा माल 50 रुपए से लेकर 60 रुपए प्रति किलो तक आपको मिल जाएगा। जगह, मशीन और कच्चे माल की व्यवस्था करने के बाद आपको मैन पावर चाहिए होगी, जिसके लिए आप 2 कारीगर रख सकते हैं माल तैयार करने के लिए। दोस्तों, अब बात करते हैं प्रॉफिट की। इस काम में 100 पेज की एक नोटबुक तैयार करने में आपका जो खर्च आएगा वो 9 रुपये से 10 रुपये होगा और आप इसको अगर होलसेल मार्केट में बेचेंगे तो आपको एक नोटबुक पर 4 रुपये से 5 रुपये मिल जाएंगे। अगर रिटेल मार्केट में आप अपना माल ले जाकर बेचते हैं तो एक ही नोटबुक पर आपको 7 रुपये से 8 रुपये मिल जाएंगे। तो दोस्तों, इस काम में मुनाफा भी अच्छा है। एक बार आप अगर इस काम को शुरू कर लेते हैं तो आपको बस होलसेल और रिटेल मार्केट में अपने संबंध अच्छे करने होंगे, जिससे आप ज्यादा से ज्यादा माल बेच सकें। इतना ही था आज की वीडियो में। इन वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को दबाएं, जिससे आपको हमारी सभी वीडियोस की जानकारी मिलती रहे। बाय दोस्तों, अगली वीडियो में मिलते हैं।